हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. आई एम मनजीत. टुडे आई विल डिस्कस विद यू एक्सरसाइज 4.4 एंड जो एक्सरसाइज 4.3 सीगी ओदी जो सम द सोल्यूशन सीगा वो मैं थानू फोटो जड़ी आ ग्रुप दे विच सेंड कर देंगी. ठीक है, सो असी आज स्टार्ट कर दें एक्सरसाइज 4.4. ठीक है, बहुत ही ईजी है भी एक तो पहला तुसी देखो 4.4 एक्सरसाइज नू समझन तो पहला ये कुछ प्रोबेबिलिटी दे बारे विच जानो. ठीक है, किस तरह इनू आपां करना है सामनू उहदे लई पहला आपां नू इह सारा पढ़ना पैना है. देखो चांस एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जिद्दां देखो द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूरज जिहड़ा है वह ईस्ट चों निकलदा है. मैन इज़ मॉर्टल. अ परसन ऑफ 12 feet हाइट. अ काउ ग्रोइंग टू 15 feet हाइट. There is a chance of raining today. He may go to Delhi tomorrow. देखो ये जी तो सही स्टेटमेंट आ. पहला तुसी वो देखो वी फाइंड दैट स्टेटमेंट 1 and 2 जी 1 and 2 आर श्योर टू हैपन. मतलब ये सही है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, एंड मैन इज अ मॉडल. ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट 3rd and 4th आर इम्पॉसिबल एंड स्टेटमेंट्स. जिहड़ियां 3rd ते 4th आ वो स्टेटमेंट तो हैगी. देखो ये आप देखना कि यह स्टेटमेंट हैगी है कि नहीं. ये आप चीज़ नहीं देखनी कि यह गलत आ. देखो जिदा हम आ दोनों चीज़ा गलत तो है बट सॉरी सही है तो यह स्टेटमेंट भी है. आ दोनों जिहड़ियां स्टेटमेंट्स तो है बट ये इम्पॉसिबल आ. अ परसन ऑफ 12 feet मतलब कोई बंदा 12 feet तो नहीं हो सकता. ठीक है, काओ ग्रोइंग टू 15 feet हाई. काओ की जिहड़ी ग्रोथ आ वो मतलब 15 feet की नहीं हो सकती. काओ ग्रोइंग ठीक है टू 15 feet हाइट ग्रो नहीं कर सकती हैगी वो इन्ना. ठीक है, देयर इज़ अ चांस ऑफ रेनिंग टूडे. दोनों स्टेटमेंट्स ये तो इम्पॉसिबल हो गई है ना. आ वाली मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता इसलिए इम्पॉसिबल एंड स्टेटमेंट तो रहनी है. देयर इज़ अ चांस ऑफ रेनिंग टूडे. ये देखो अज जेकर थानू कहा जाए कि अज मीह आएगा. ठीक है, आप सोच सकते हैं अपन ये श्योरिटी थोड़ी है कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता. इदा ही आ ही मे गो टू डेली टमोरो. इस तरह मैं कल नू ही मे मतलब कि वह दिल्ली जाएगा कल. गया थोड़ी है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, जा भी सकता नहीं भी जा सकता. जब तक गया ही नहीं है हाले तक. ठीक है, सो ये दोनों स्टेटमेंट्स जगिया स्टेटमेंट्स आ बट ये की हैपन भी हो सकती हैं मे नॉट बी हैपन भी हो सकती हैं. मतलब मे हैपन और मे नॉट हैपन. ठीक है, इन स्टेटमेंट 5th and 6th देयर इज़ अ सिचुएशंस दैट हैज़ सम चांस ऑफ हैपनिंग. जिहड़ी कहिंदे 5वीं ते 6वीं है ये चांस तो है उदा कि हो सकता है. ठीक है, सिमिलैरिटी इफ वी टॉस अ कॉइन. जिद तरह जे तुसीं कॉइन नूं टॉस कर दो वी कैनॉट प्रडिक्ट करैक्टली वैदर हैड्स विल कम. जे इस तरह जिदा तुसीं कोई कॉइन आ कोई मतलब कॉइन सिक्का आ तुसीं उहनूं उछालोंगे तुसीं इह नहीं ना प्रडिक्ट कर सकते. सोच थोड़ सकते हैं कि हाँ हैड ही आऊगा हाँ नहीं टेल ही आऊगा. ठीक है, सो इसलिए दस चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. सो कहते चांस जिहड़ा साडी लाइफ दे विच बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले करता है. चांस मे वी डिवाइडेड इनटू 3 कैटागरी 3 तरह का होंदा है. सर्टेन इंपॉसिबल एंड पॉसिबल. इंपॉसिबल तुहानू दस दिता जदों आपां नूं श्योरिटी ना मतलब कि वह चीज़ हो ना सके. जिद्दां इह सीगा कोई परसन 12 feet का नहीं हो सकता इंपॉसिबल है ना. ठीक है, जिदा मतलब कि इदा कह दिता जाए कि सूरज जिहड़ा है जिस तरह तुहानू पता है कि ईस्ट चो तां राइज हुंदा है. जे कह दे कि वैसट चो हुंदा है ये तो हो ही नहीं सकता. वैसट दे विचों तां जो है राइज हो ही नहीं सकता. ठीक है, पॉसीबल मतलब कि हाँ जिहड़ा श्योर होवे कि हाँ वो चीज़ हो सकती जिदा मतलब सन जिहड़ा है ईस्ट विचों राइज हुंदा है. ठीक है, सर्टेन मतलब कि जिहदे विच आपां नूं मतलब जिस तरह कह सकते हैं आपां कि वो चीज़ उधर हो रही है तो इधर हो रही है. जिस तरह मतलब कि जे आस्ट्रेलिया दे विच रात है दैन इंडिया दे विच दिन है. ठीक है, सर्टेन ठीक है हुण हो ही सकता है. ठीक है, सो इक्वली लाइकली और ईवन चांस टॉसिंग अ कॉइन थ्रोइंग अ डाइस इन लूडो. मोर लाइकली चांस जिदा मतलब इक्वली लाइकली और ईवन चांस टॉसिंग अ कॉइन तो थ्रोइंग अ डाइस इन लूडो. जब तुम डाई सुटते हैं लूडो के फिर को तुम कॉइन सुटते हैं दैन ये मतलब जोड़े चांस है हो सकते हैं इक्वली लाइक मतलब हो गए कि हाँ ये हैड ज टेल तो आएगा ही. मोर लाइकली चांस एग्जाम्पल इफ वी पुट रैड बॉल्स एंड वाइट बॉल्स बिफोर अ बेबी. मतलब कि जे तुम रैड तो वाइट बॉल में बेबी के अगे सुट्टोगे इट इज़ मोर लाइकली दैट द बेबी विल पिट
विल पिक अप अ रेड बॉल। कहिंदे मतलब कि यह जरूरी मतलब मोर लाइकली होगा कि बेबी जिहड़ा आ वो रेड बॉल ही पिक करे। अनलाइकली और लैस लाइकली मतलब कि घट होवे जिहड़ा वैन अ परसन बायज़ अ लॉटरी टिकट्स इट इज़ पॉसीबल दैट इट विल वी इट इट सॉरी दे ही दैट ही मे वीन। मतलब कि ये पॉसीबल हो सकता है कि वह जिते बट लैक्स ऑफ पीपल्स वुड हैव वॉट द टिकट्स सो देर इज़ वेरी लिटल चांस ऑफ वीनिंग अ पर्टिकुलर परसन इन अदर वर्ड्स लैस लाइकली दैट अ पर्टिकुलर परसन विल। मतलब कि कहता कि लखां लोग जिहड़े आ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं जरूरी थोड़ी कि सारे सारे ही जितन ठीक है उन्होंने एक ही परसन है जोड़ा जितेगा फिर लैस लाइकली हो जाता कि घट ठीक है। हुण देखो आप सामने चलते हैं तो ज़्यादा समझ लगेगी जो थोड़ा ये नहीं समझ लगी 4.4 एक्सरसाइज भी देखो इन द फॉलोइंग ईवेंट्स मैच करैक्टली टू इंडीकेट द वैदर द आउटकम्स आर सर्टेन इंपोसीबल और पॉसीबल। देखो जिदा फर्स्ट आदि दसना आ सर्टेन इंपोसीबल और पॉसीबल इट इज़ नाइट इन अमेरिका वैन इट इज़ डे इन इंडिया उ गल हो गई ना ये तो सर्टेन हो गया साडा जो अमेरिका दे नाइट होंगी रात होंगी उदो इंडिया दिन हों। यू विल गैट हैड्स अप इन टॉस ऑफ आ कॉइन जो कहते आप मतलब कॉइन में टॉस करते हैं सुटते हैं अपन ठीक है दैन कहें हैड आ सकता है जो तुम कॉइन सुटते हैं दैन हैड भी तो आ ही सकता है जा फिर टेल आऊगा जा फिर हैड आऊगा इट मीनस ये पॉसीबल है हो सकता है पॉसीबल इतने तुम पॉसीबल लिख देना। यू विल गैट फस्ट पोजिशन इन यूर क्लास कहें फस्ट पोजिशन लै सकते हो अपनी क्लास के हाँ पॉसीबल आ क्यों नहीं लै सकते। इट इज़ विंटर इन इंडिया जेकर कहें मतलब कि ठंड होंगी इंडिया वैन इट इज़ समर इन आस्ट्रेलिया दैन गर्मी होंगी आस्ट्रेलिया ठीक है सो ये भी की है सर्टेन है ठीक है सर्टेन। योर फ्रेंड विल प्रेजेंट्स यूअर पेन ऑन योर बर्थडे थोड़ा फ्रेंड थानू बर्थडे पर पेन भी दे सकता है पॉसीबल ही है दे सकता है। आ विच फीमेल डॉग विल गिव बर्थ टू पपीज नैक्सट ईयर हाँ अगले साल जी मतलब विच आ वो फीमेल डॉग जी होंगी अगले साल अपने पपीज जोड़े आ उन्होंने जन्म दे सकती है ठीक है। सो इस तरह अगला सम देखो सन राइज इन द वैसट कि सूरज जोड़ा आ वो पछम के निकल सकता है ठीक है सो इट्स नॉट पॉसीबल सो ये की आ गया इंपॉसीबल। इस तरह यह भी आ कुक विल ले एग्ज इन नैक्सट ईयर ये भी की है इंपॉसीबल है ठीक है। नैक्सट आ गया पार्ट ये पिछले सजस्ट तुम इंपॉसीबल पॉसीबल स्टेन यही लिखना है कैटागराइज ईच आउटकम्स एज लाइकली और अनलाइकली ठीक है। लाइकली होवे जोड़ा श्योर अनलाइकली लैस लाइकली मतलब घट। इट विल स्नोफॉल इन कश्मीर इन दिसंबर हाँ कश्मीर के जोड़ी दिसंबर के स्नोफॉल होंगी है लाइकली है ये तो होंगी है ठीक है। यू विल बिकम एन इंजीनियर वैन यू ग्रो अप ठीक है ये भी है जे तुसी इंजीनियर बनना चाहते हो दैन थानू ग्रो करना पैना है सो लाइकली है। यू विल ग्रो मोर दैन 10 feet इन हाइट मतलब तुम कहते 10 feet तो भी उपर हाइट कर सकते अपने नहीं अनलाइकली है ठीक है लैस लाइकली अनलाइकली। अगे आ गया योर पेरेंट्स विल मीट योर प्रिंसीपल टमोरो हाँ जी प्रिंसीपल थोड़े पेरेंट्स जोड़े आ कल मिल सकते हैं लाइकली हो गया जो चीज़ हो सकती है। सैचरडे विल वी द डे सैचरडे विल वी द डे आफ्टर फ्राइडे सैचरडे जोड़ा आ फ्राइडे तो बाद आता है इन द नैक्सट वीक हरेक वीक के आता है ठीक है सो की है लाइकली। द अर्थ मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वैसट जोड़ा अर्थ आ ईस्ट टू वैसट घूमता है धरती जी ईस्ट टू वैसट घूमती है यह अनलाइकली है ठीक है। द लॉइन इज़ द स्ट्रोंगैसट एनीमल इन द फॉरैसट जोड़ा लॉइन आ वह की है स्ट्रोंगैसट एनीमल आ स्ट्रोंग एनीमल आ जंगल का ठीक है हाँ लाइकली है ठीक है। चूज़ द लिवलीहुड विच मैच द आउटकम्स ऑफ ईच ईवेंट्स इंपॉसीबल अनलाइकली ईवन चांस लाइकली एंड सर्टेन ठीक है। इन्हें सारे ये चूज़ करने इंपॉसीबल भी लाइक अनलाइकली भी ईवन चांस लाइकली और सर्टेन देखो इन्हें किदा करना। फर्स्ट योर टीम विल वीन द स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट हाँ जी योर टीम जित सकती है कहिंदे स्कूल का फुटबॉल टूर्नामेंट हाँ जी लाइकली है। ट्यूजडे विल वी अ डे आफ्टर वैडनसडे नैक्सट वीक जो ट्यूजडे आ विल वी द डे आफ्टर वैडनसडे की ट्यूजडे वैडनसडे तो बाद आता है नो इट्स इंपॉसीबल सो इंपॉसीबल आ गया। द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डनरी डाइस वैन रोल्ड विल बी मोर दैन 6 कहें कि
जो तुसी डाइस डाई थानू पता है ना जी तुसी लूडो गेम खेलते होने वे 6 नंबर बने होंगे जो कहते उन्होंने टॉस करूँगे ठीक है दैन रोल करूँगे मतलब रोल करके टॉस करूँगे दैन सुटूंगे दैन उस तो बाद जिहड़ा टॉप फेस से जिहड़ा नंबर आएगा वह 6 तो ज़्यादा भी आ सकता है पर नहीं वो नंबर ही 6 होंगे 6 तो 7 8 9 10 तो आ ही नहीं सकता सो इंपॉसिबल हो गया ही विल लीव फॉर 65 ईयर्स वो कहते 65 साल तक जी सकता है हाँ लाइकली है वैन अ क्वाइन इज टॉस्ड जो कहते क्वाइन टॉस किया जाता हैड्स विल कम अप हाँ जी हो सकता है ठीक है सो ये आ गया ईवन चांस या लाइकली है ठीक है इतने तुम ईवन चांस लिख लेना है फ्राइडे विल बी द डे आफ्टर थर्सडे नैक्सट वीक कहते कि फ्राइडे जड़ा आ फ्राइडे विल बी द डे फ्राइडे के तो बाद आता है थर्सडे तो बाद ही आता है सो ये की है सर्टेन है ठीक है नैक्सट देखो ये तुम लाइकली भी लिख सकते हैं सर्टेन तो लाइकली आएगा फ्राइडे विल बी द डे आफ्टर थर्सडे नैक्सट वीक तो लाइकली आएगा तुम इदा करो इतने लाइकली लिख लो द टिटैनिक विल नॉट फ्लोट बैक अप टू द टॉप ऑफ द ओशन यदा किया जाना सर्टेन क्योंकि ओशनस के नाल रिलेटड आ यू विल गो स्कूल वैन इट इज़ हैवी रेन कहते तुसी स्कूल जा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रेन होगी अनलाइकली है ठीक है सो ये सी एक्सरसाइज 4.4 ठीक है 4.3 का मैं सोल्यूशन थानू ग्रुप के फोटो नाल सेंड कर देंगी तुसी ये 4.4 जी इस तरह एज इट इज़ उतार लेनी है कल असी करांगे 4.5 एक्सरसाइज एंड थोड़ा सैटरडे थोड़ा टेस्ट होएगा एक्सरसाइज 4.1.2 का सो सारे बच्चों ने उसकी तैयारी चंगी तरह कर लेनी है ठीक है एंड अपनी नोटबुक्स कंप्लीट चंगी तरह करो जे कोई नहीं समझ लगता मैनू दस दिया करो ठीक है ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे